राजेश चंदेल एक्स एमपी और एक्स स्टेट क्रिकेट हिमाचल प्रदेश, और इस चुनाव में चुनाव अमृतसर लोकसभा के लिए मुझे प्रभार दिया है। जी, तो कैसा देख रहे हैं सिनेरियो अमृतसर में? आप वो बड़ी जिम्मेवारी मिली है, तो कैसा देख रहे हैं भाजपा के हक में इस बार अमृतसर जो है वो आता नजर आ रहा है कैसे? मैं पिछले लगभग 15 दिन से यहाँ हूँ, और मैं जब से आया हूँ तब से मैं ये देख रहा हूँ कि चुनाव अभियान सभी पार्टियों का धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस बार एक नया उत्साह है कि पिछली दो बार जो कमी रह गई है इस बार वो कमियाँ हम नहीं छोड़े, हम इस बार हर सूरत में चुनाव जीतेंगे, ये उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखा। क्या कमियाँ क्या रह गई थी? जो कमियों की बात आप कहते हैं, पहले कमी ये रह गई थी कि अरुण जेटली जी और पुरी साहब यहाँ चुनाव हार गए, वो कमी रही। उन्हें लगा कि बहुत बड़ी शख्सियत थे, इन बड़ी शख्सियत को जताते तो शायद बहुत मदद यहाँ आ सकती थी, लेकिन वो कमी उन्होंने महसूस की कि वो कमी रह गई। और मुझे लगता है कि इस बार उन्हें लगता है कि जो कैंडिडेट तरणजीत सिंह संधू जी दिए गए हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है, पढ़े लिखे हैं, और इस गुरुओं की ऐतिहासिक नगरी को यदि संवारना और आगे बढ़ाना है तो उसके अंदर वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इस यहाँ की जो समस्याएं हैं, नशे की है, लॉ एंड ऑर्डर की है, बाकी चीज़ें हैं, इन सारी समस्याओं को भी बहुत अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से वो दिल्ली में रख सकते हैं, उसके लिए यहाँ के लिए मदद कर सकते हैं, ऐसा लोगों में विश्वास था। सर, कांग्रेस ने 1,00,000 रुपया साल का धनलक्ष्मी एक योजना, कांग्रेस की घोषणाएं हिमाचल प्रदेश में कहा कि 1,500 रुपये देंगे, अभी तक वहाँ जो वहाँ की लेडीज हैं वो पर्स खरीद के बैठी हैं लेकिन पैसे अभी तक आए नहीं। जी, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कहा कि हम 1,000 रुपये देंगे, अभी तक यहाँ किसी महिला को नहीं मिला, मैं प्रतिदिन सबसे पूछ रहा हूँ। इस तरीके की घोषणाएं चुनाव के समय में करना ये कांग्रेस की पुरानी शैली है। मैं तो उनके कांग्रेस को कहता हूँ कि आप धनलक्ष्मी योजना तो क्या देंगे, आपके कैंडिडेट ओजला ने तो अपनी सांसद निधि को ढंग से खर्च नहीं किया। मैंने सारी गलियों में पूछा कि वो पैसा आपकी गलियों में आया नहीं आया, मैंने कहा ओजला जी आए, लोग आए नहीं कभी। ओजला जी बोलते हैं 5 साल में 105 सवाल किए और 98% जो उनकी एमपी लैड फंड था उसको खर्च किया है उन्होंने। कितना खर्च किया? 98% खर्च कहाँ किया? 20,00,000 रुपए दिया गोल्फ क्लब चंडीगढ़ को मेंबरशिप खरीदने के लिए, अमृतसर का पैसा चंडीगढ़ में दिया गया, इसकी खबरें आई है। जी, ये शर्मनाक है और लोग यहाँ पर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हमारा पैसा और चंडीगढ़ में जाके लग रहा है। इसका ओजला जी को जवाब देना चाहिए। ओजला जी ने 98% खर्चा है, यदि 2% क्यों छूट गया? उनका तो कार्यकाल पूरा हुआ, अचानक तो नहीं लोकसभा भंग हुई, उनको 100% खर्च करने के लिए दिया गया, 98% कोई तारीफ है क्या? लेकिन 98 भी नहीं हुआ है, 98% का वो यदि बहुत ही पब्लिक के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह हैं तो वो सारी सूची जारी करें जिसमें से लोगों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। मैं दावे के साथ सकता हूँ करोड़ों रुपए बचे हुए हैं उनके, करोड़ों रुपए जिसको वो खर्च नहीं कर पाए, ये जनता के बीच में बहुत बड़ा सवाल है। और जनता ये सोचती है ऐसा प्रतिनिधि जो केंद्र सरकार द्वारा दिए गए जनता के विकास के पैसे को खर्च ना कर सके, कभी जनता के बीच में आना जाना बंद हो जाए और केवल बोर्ड लगा के कहा जाए दिल की सुनो और ओजला को चुनो, जनता इस तरीके के जुमलों से अब सावधान हो चुकी है, काम करने वाले को पहचानने लगी है, और सिर्फ हर चुनाव में ठगने वाले और ऐसे जो नारे लगाने वाले उनसे जनता सचेत हो चुकी है, ऐसा मैं देखिए ये अफवाहें फैलाई जा रही है। हमारे सैकड़ों कार्यक्रम बड़ी बड़ी संख्या में गाँव में हुए हैं, बहुत बड़ी मात्रा में लोग ज्वाइन किए हैं भारत पार्टी को, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो एक भ्रम और नकली वातावरण बनाने की कोशिश हुई है उसका चुनाव में पर्दाफाश हो जाएगा। बहुत बड़ा समर्थन गांव से आ रहा है, जिन लोगों को कुछ लोग ज़बरदस्ती चुनाव के अंदर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आम आदमी उसके मुकाबले में खड़ा हो रहा है, वो कह रहा है हम वोट डालेंगे, हम अपनी पसंद का, हमारा अधिकार है, और मुझे लगता है
बड़ी मात्रा में समर्थन भारतीय जनता पार्टी को गाँव में भी मिलने वाले। 839 करोड़ रुपए खर्च करके यहाँ लाने की बात कह दी। वो तो कह रहे प्रधान सभी 10 साल में, तो उन्होंने कहाँ से दे दिया? उन्होंने क्यों नहीं दिया? यदि एयरपोर्ट उन्नयन हुआ है, रेलवे स्टेशन बना है, करतारपुर कॉरिडोर बना है, ये ऐसे बना है क्या? जो सड़कों का विकास हुआ है, ये कहाँ से हुआ? 800 करोड़ कब इसका सारा हिसाब लगाएंगे आप? कब देंगे उनको, मतलब कब लगाएंगे वो, कैसे? उन्होंने कहा है कि हम जल्दी, हमने इकट्ठा कर लिया है, उनकी ये स्टेटमेंट आई है, हमने इकट्ठा कर लिया है, जैसे यहाँ आगे चुनाव के बाद कार्रवाई होगी, हम यहाँ पर कुछ उन्होंने पैरामीटर तय किए, किन किन पैरामीटर्स पर वो खर्च करेंगे। ये केवल 800 नहीं होगा, 839 नहीं होगा, उन्होंने कहा इतना तो हमने इकट्ठा कर लिया है, और आएगा पैसा। तो जो कैंडिडेट अभी चुनाव लड़ रहा है उसके समर्थन में अभी लोग देने के लिए तैयार आ रहे हैं बाहर से समर्थन, तो आप समझिए जब वो 5 साल रहेंगे तो ओजला जी की आंखें खुल जाएंगी। ओजला जी को लगा, खुद कहेंगे कि मैं तो गलती से जगह घेर के बैठा रहा, ना सांसद निधि खर्ची, ना दिल्ली से पैसा ला सका, पहले ही ऐसे कैंडिडेट आ जाते तो अमृतसर की ये नगरी जो है ये विकसित हो। पर पंजाब सरकार लगातार केंद्र सरकार पे पंजाब के साथ वितकरे के आरोप लगाती है, काफ़ी सारे फंड जो है वो बोलती है भी केंद्र सरकार ने रोक रखे हैं, पंजाब का विकास कैसे होगा? RDF फंड की बात कर रहे हैं, GST की बात कर रहे हैं, GST की काफ़ी राशि है जो भी कह रहा है कि केंद्र सरकार से, एक RDF है जो रूरल डेवलपमेंट फंड है जो बंद कर दिया, वो रिलीज नहीं हो पा रहे, हजारों करोड़ रुपया है। ये इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन केंद्र से जो फंड आते हैं उसकी एक पैरामीटर्स बने हैं, वो केंद्र सरकार बाउंड होती है देने के, और वो केंद्र सरकार ने भेजे हैं। लेकिन प्रदेश सरकार भी जैसी राजनीति कर रही है, जिस तरीके से राजनीति करके यहाँ पर मुद्दों को खराब कर रही है, उसका पंजाब परिणाम भुगत रहा है। हमें दुख है इस बात का कि स्टेट गवर्नमेंट को केंद्र के साथ मिल करके सौहार्दपूर्ण तरीके से, इनको सीखना चाहिए मान साहब को, नवीन पटनायक से इनको सीखना चाहिए, बाकी स्टेटों से, जो बाकी स्टेटों में किस तरीके से काम हो रहा है और विकास हो रहा है। अमृतसर में इस बार कमल का फूल खिलेगा निश्चित तौर पर, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि जनता को पुराना एहसास है, कैंडिडेट पर पूरा विश्वास है, और मोदी जी पर भी, उनकी गारंटियों पर और मोदी जी पर भी पूरा विश्वास है। तो मोदी जी का विश्वास, तरणजीत सिंह संधू जी का विश्वास, और उनका जो विज़न है, और भारतीय जनता पार्टी की ताकत जो अब बड़े रूप में भिन्न भिन्न दलों से लोग पार्टी में आ रहे हैं, वो सारी ताकत कमल यहाँ बहुत बढ़िया कमल खिलेगा हम सबके सामने। ऐसा नहीं जी, आम आदमी पार्टी 13-0 का दावा कर रही है, कांग्रेस कह रही है कि हम पंजाब 13 सीटें ले जाएंगे, आप कितना समझते हो कि आपको, क्योंकि आप यहाँ पे घूमते रहे हो, हिमाचल में भी रहे हो, पंजाब में भी रहे हो, क्योंकि सारा आपने देखा है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो BJP है कहाँ किस नंबर तक पहुँच पाएगी? मैं महसूस कर रहा हूँ एक ज़बरदस्त अंडर करंट है पूरे पंजाब, और अब भारतीय जनता पार्टी केवल नॉन सिख की पार्टी नहीं रही, अब बड़ी मात्रा में सिख समुदाय भी पार्टी में शामिल है, और मैं समझता हूँ ये कॉम्बिनेशन बना है, इससे भारतीय जनता पार्टी की इतनी ताकत है कि लोकसभा के परिणाम में हम बहुत अच्छी ढंग से सीटें जीतेंगे, और 27 के लिए एक जानदार पार्टी के रूप में खड़े होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास। सर इस बार अकाली दल का बहुत बढ़िया पिछली बार क्वेश्चन रहा था, और 3 लाख के करीब जो है पूरी साहब वोट लेके गए थे, उसमें से 2-2.5 लाख जो है अकाली दल का था, 50-60 हज़ार जो है BJP का वोट ऐसा बाइफर्केशन किया जा रहा, तो इस बार एक तो क्या वजह रही कि वो उनके साथ टाई अप नहीं हो सका, और इस वक्त मतलब आमने सामने हो गए, क्या दिक्कत? टाई अप की बातें तो हाईकमांड बताएगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अकालियों का भी इस चुनाव में भ्रम टूटने वाला, वो सोचते थे ये सारा वोट हमारा है ना, अभी इस चुनाव में सामने आ जाएगा किसका कितना वोट है, उसके बाद बात करेंगे। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा TV, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।